तो आज हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके। हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो सिलेबस है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इंट्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? इंट्रोडक्शन। अच्छा, मॉर्निंग में कॉलेज होती है तो ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं भाई। कॉस्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। और इसके बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी जो इसकी वोकैबुलरीज हैं उसको हम करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो हिंदी में बोलेंगे बेटा लागत लेखांकन, ओके। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्टिंग क्यों हुई, कब हुई, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा इसका बेस जान लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका ओरिजिन यानी कि उसका उदय, ठीक है, या इसकी ग्रोथ कब से हुई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बहुत पढ़ा है हमने, आगे चल के हम डिफरेंस भी करेंगे दोनों के बीच में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन जो है वो 1929 के अंदर हुआ मेन, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, यानी कि विश्व में मंदी आ गई थी, विश्व मंदी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम हुई थी ना, अभी फर्स्ट वेव के अंदर शेयर मार्केट गिर गया था, मंदी आ गई थी, लोगों की जॉब चली गई, इकोनॉमी डाउन हो गई। तो 1929 के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ था कि विश्व स्तर पर एक मंदी आ गई थी वर्ल्ड वाइड। अब वहां पर मंदी से जब उभरे हैं तब जो भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती थी कि हमारी कंपनी अच्छी है या हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी वैसी है, तो हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए जाने लगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरण, उसके अंदर आपका वही ट्रेडिंग अकाउंट जो हम अकाउंटेंसी के अंदर करते थे 11 12th के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट भी है बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जो भी। तो बट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि इस कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या चल रहा है मामला। मंदी का दौर था तो ट्रस्टेबल नहीं थी ये चीजें, कोई भी हेर फेर करके अपना प्रॉफिट तो ऊपर नीचे कर ही सकता है। तो वहां पर जरूरत पड़ी कि भैया, वहां पर जो एक नीड आई, क्योंकि तब तक एक चीज और बाद में होने लग गई थी, वो तीन चीजें हुई थी जिसकी वजह से और नीड बढ़ती गई कॉस्ट अकाउंटिंग की। वो था आपका प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया था, और लिबरलाइजेशन बढ़ गया था, और ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया था। ये तीन चीजें, उदारीकरण, वैश्वीकरण है ना, और निजीकरण, ये तीनों चीजें बढ़ी। तो इन तीनों चीजों के बढ़ने के साथ में ही पूरा ग्लोबल लेवल पर मार्केट होने लग गया, मार्केट जो है वो पूरा विश्व बन चुका था एक रूप से। तो वहां पर फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड सामने आई। नीड किसकी आई? कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। चलिए सर, अभी तो ठीक है, आपने बता दिया कि ये कब हुआ। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है उसको हम जरूर समझेंगे। व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा जानते हैं इंडिया के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया, कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया। इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुई या कैसे स्टार्ट हुई? तो इंडिया के अंदर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट या पूरा का पूरा दायित्व जो है वो है ICWA का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWA। CWA बोलते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट,
भी निकलते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, वैसे के वैसे होते हैं कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जो कॉस्टिंग का काम करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया के अंदर ICWA एक संस्था बनाई गई या एक कंपनी बनाई गई 1944 के अंदर, और इसने वहाँ पर 1944 के अंदर इंडिया के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अस्तित्व में आ चुकी थी, एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। उसके बाद मामला आगे बढ़ा और 1959 के अंदर, ठीक है, 1959 के अंदर, 1944 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया था ICWA का कंपनी के अंदर। ICWA किस में कन्वर्ट हो गई थी? कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो गई थी 1944 के अंदर। 1949 के अंदर जो ये कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट संस्था थी ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो है ये अस्तित्व में आई, और इसका ऑफिस जो है, ये एक संस्था बन चुकी थी और इसका ऑफिस जो है वो कोलकाता के अंदर खोला गया, कोलकाता। अब ICWA क्या काम करता है? ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है, इसके नए रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करना है, इस सब्जेक्ट के बारे में काम करता है। इसके अलावा ये काम करता है कॉस्ट अकाउंटेंट तैयार करना, जो इस काम को करेंगे, जैसे अकाउंटिंग करना एक काम है और चार्टर्ड अकाउंटेंट उस काम को करता है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट तैयार करना, कॉस्ट अकाउंटेंट तैयार करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को मटेरियल प्रोवाइड करना, उनके एग्ज़ाम लेना, उनको डिग्री देना, उसके बाद उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उसके बाद उनकी जो है मेंबरशिप देना उनको, उनको है ना सारी अथॉरिटी देना, पावर देना, उन पे कंट्रोल रखना, ये सब का सब काम ICWA करता है, जिसका फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हाल इस ICWA के बारे में हाल ही में अगर जाने तो ICWA जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंस्टीट्यूट है, उस कॉस्ट अकाउंटिंग के इंस्टीट्यूट का नाम थोड़े टाइम पहले चेंज करके CMA कर दिया था, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और फिर उसका बाद में आगे जाके नाम चेंज CA ही कर दिया था। CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, CA का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, तो पहले CMA कर दिया था, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं ना उनका नाम CMA कर दिया था ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फिर थोड़े दिन बाद में CA ही कर दिया, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सब जैसे ICWA, ये तो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उसका नाम एक बार CMA कर दिया था, फिर CA कर दिया था। CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, लेकिन अभी भी लोग इसको CWA नाम से जानते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट नाम से ही जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट या इस संस्था का नाम बोलो तो वो CWA के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है अभी तक। फिर बात करें आगे की थोड़ी, तो फिर क्या हुआ, 1965 आया साल 1965, इसके कॉस्ट अकाउंटिंग के जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो 1965 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट है ना उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। उस टाइम कंपनीज एक्ट कौन सा चलता था? कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, 2013 वाला एक्ट तो अभी आया है, कंपनीज एक्ट 2013 तो बेटा अभी आया। उस टाइम कौन सा एक्ट चलता था? उस टाइम एक्ट चलता था आपका ये वाला 1956, कंपनीज एक्ट 1956। उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट ये किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, उसको पावर दी गई कि वो मेंटेनेंस कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक ऐसा प्रोविजन डालें जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। तो ऐसे किया भी, तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेनेंस करने के ऊपर काम किया, और इसकी ऑडिट पे ऊपर काम किया।
कि कुछ कंपनीज है जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिट करानी बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनीज थी जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिट करानी ज़रूरी थी, मतलब कुछ कंपनीज के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई हो गई कि आपको अपने अकाउंट जो है वो उनकी कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से आपको रखने पड़ेंगे। तो ये कंपनीज कौन कौन सी थी जिनके लिए कंपलसरी किया गया कि आपको अपने कॉस्ट अकाउंट रखने पड़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। उन कंपनीज़ के अंदर बहुत सारी कंपनीज थी जिसके अंदर आती है, जैसे सीमेंट जितनी भी कंपनीज थी, फिर अगर बात करें तो आपकी शुगर कंपनी जो थी, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना या कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी कर दिया गया। फिर जैसे जो रबर, टायर या जो ट्यूब बनाने के वाली कंपनीज थी इनके ऊपर, फिर आता है अगर आपका जो सोडा बनाने वाली कंपनीज थी, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनीज थी, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर जो बनाने वाली कंपनीज थी, फिर उसके बाद मोटर व्हीकल बनाने वाली जो कंपनी थी, इन सबके लिए कॉस्ट अकाउंट्स रखना ज़रूरी कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी थी, जैसे लैंप्स बनाने वाली जो कंपनीज थी, फैन बनाने वाली जो कंपनीज थी, इसके अलावा ट्रैक्टर बनाने वाली जो कंपनीज थी, मोर एंड मोर। ठीक है, आपको ये कोई इतना आएगा नहीं, ये तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। पाइप्स बनाने वाली कंपनीज थी, तो इन सब बहुत सारी ऐसी कंपनियों के लिए जो है कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके ये बोला गया कि आप सभी कंपनीज़ को, इन कंपनीज़ को जो है कॉस्ट अकाउंट्स रखने ज़रूरी है, कॉस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना रहे हैं बट आपको उसके साथ साथ में अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में एनालिसिस करके डेटा कॉस्ट अकाउंट्स रखने पड़ेंगे जो कॉस्टिंग के अंदर बताए गए हैं। ओके, अब इसके गाइडेंस नोट्स भी आए। जैसे आपको पता है जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, पता आपको, पता ही होगा आपको, कैसे पता नहीं होगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गए आप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सप्लाई होते हैं, है ना, जो अभी हाल ही में नए आए हैं, इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, काफी सारी कंपनियों पे अप्लाई हो गए हैं बैंकों को छोड़कर के। ठीक है, तो वैसे के वैसे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड अप्लाई होने चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर भी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे ना, वैसे के वैसे कॉस्ट स्टैंडर्ड या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा दिए गए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हुए। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे ना, ये इसका नाम दे दिया गया शॉर्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना, इसको बोल दिया गया CAS। जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे ना, उसको हम AAS बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS, तो IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ऐसे CAS। और ये CAS टोटल कितने थे, ये CAS टोटल है आपके 1, CAS 2, CAS 3, CAS 4 और CAS 5। तो टोटल 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए गए, और ये कौन बनाएगा, तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, वो कौन बनाता है, ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कौन बनाएगा, यहाँ बनाएगा बेटा ICWA, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, समझ में आ गया। बट हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत सारे हैं, पहले AS 32 थे, बट अभी तो IND-AS आ गए हैं तो और ज़्यादा नंबर इनका बढ़ चुका है, बट यहाँ पर ओनली अभी तक 5 ही हैं। ओके, आया यहाँ तक समझ में, एक बार थम्स अप भेजिए बेटा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके थोड़ा सा मीनिंग की ओर बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड, अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ वर्ड्स को हम समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड होता है बेटा कॉस्ट, ठीक है, एक होता है कॉस्ट और एक वर्ड होता है कॉस्टिंग, दो वर्ड है, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट क्या है और कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग जो है इज अ प्रोसेस, कॉस्टिंग एक प्रोसेस है, और कॉस्ट क्या है पता है,
उस प्रोसेस का रिजल्ट, जो आप चीज प्रोसेस कर रहे हो ना उसका रिजल्ट क्या है, वही कॉस्ट है। ये डिफरेंस है कॉस्ट एंड कॉस्टिंग के अंदर। ओके, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना यानी कि उसकी लागत पता करना वो एक रिजल्ट है, लेकिन उसको पता करना वो एक प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यह एक फॉर एग्जांपल के लिए स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की कॉस्ट पता करना ये कॉस्टिंग है, एक प्रोसेस है। पता करा जाएगा भाई इसमें मटेरियल कितना लगा इस फोन के अंदर, इसमें लेबर कितना लगा, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कितने लगे, है ना। ये सब क्या है, ये पता करना, ये एक प्रोसेस है, इसको कॉस्टिंग बोलते हैं। जब पता लग जाएगी भाई टोटल इतने रुपए लगे, ये आ गई इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट इज अ रिजल्ट एंड कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज अ मेजरमेंट, कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोसेस। अब देखो इसको समझते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट? मेजरमेंट मतलब मापन, मापना किसी चीज को, वो भी किसमें, मॉनेटरी टर्म में यानी कि मुद्रा में, पैसों में मापना। किस चीज को मापना? पैसों के अंदर रिसोर्सेस को, संसाधनों को, जो आप लगा रहे हो किसी प्रोसेस के अंदर। जैसे मैंने बताया ना, ये स्मार्टफोन बना रहे हैं हम, एक स्मार्टफोन बना रहे हैं बढ़िया वाला। ये किस एंगल से स्मार्टफोन लग रहा है आई डोंट नो। हम बढ़िया सा एग्जांपल मार्कर का ही ले लेते हैं। चलो ये मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर बना दिया, टीचर है ना तो मार्कर ही यूज करते हैं ज्यादा। आजकल इलेक्ट्रिक फैन भी यूज करने लग गए हैं। ये मार्कर है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे चलने वाला मार्कर जो इंक से चलता है। अब इस मार्कर को बनाने में एक प्रोसेस लगेगा, उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हुए? सर इसमें मटेरियल यूज हुआ, ओके, इसमें सर लेबर भी लगा, मेहनत भी लगी, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, हम फाइनेंस अकाउंट में पढ़ चुके हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बस इतना ही हो गया? नहीं, इनको मॉनेटरी टर्म में मेजर करना कि मटेरियल कितना लगा, कि सर मटेरियल लगा 5 रुपीज का, प्लास्टिक वगैरह लगा, और लेबर कितना लगा, सर 3 रुपीज की लेबर लग गई। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने लगे, 2 रुपीज के लग गए डायरेक्ट एक्सपेंस, तो टोटल कितने लग गए, 10 रुपीज लग गए। ये 10 रुपीज क्या है बेटा, ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट इज अ मेजरमेंट, कॉस्ट एक मापन है इन मॉनेटरी टर्म, पैसों में मापना किसको, उन रिसोर्सेस को जो आप एक प्रोसेस के अंदर लगा रहे हो। तो ये मेटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये रिसोर्सेज है जिनको मैं लगा रहा हूं एक प्रोसेस के अंदर। वो कौन सी प्रोसेस है? ये मार्कर बनाने की प्रोसेस है। तो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो एक प्रोसेस के अंदर लग रहा है, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करना कॉस्ट है। आया समझ में बेटा? ओके, तो एक बार और रिप्लाई हो जाए, फिर मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में बताता हूं। ये तो हो गया कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? ये पूरा प्रोसेस जो हमने देखा अभी। ओके, तो व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस। कॉस्टिंग एक टेक्निक और प्रोसेस है ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट को असर्टेन करना, यानी कि कॉस्ट का पता लगाने की जो टेक्निक और प्रोसेस है वही कॉस्टिंग है। पता लगाना कि मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने लगे, ये पता लगाना कितने रुपए के लगे, कौन सी क्वालिटी के लगे, उसकी प्राइस क्या है, ये सब पता लगाना और कॉस्ट को कैलकुलेट करना, असर्टेन करना, यही कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असर्टेन कॉस्ट, या
कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं फिर आगे, नेक्स्ट फिर बात करेंगे हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, या फिर हम बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की। जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी इज अ वाइडर सब्जेक्ट। ओके, तीन वर्ड होते हैं ना, देखो इधर बताता हूं मैं, थोड़ा सा आपको अकाउंट से रिलेट कराता हूं। अकाउंटेंसी होता है सबसे पहले एक वर्ड अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर हम करते हैं अकाउंटिंग, लेखांकन जो एक कार्य है, एक प्रोसेस है। और उस लेखांकन में क्या बनते हैं करने के बाद, अकाउंट्स बनते हैं, यानी कि खाते बनते हैं। तो अकाउंटेंसी एक पूरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर अकाउंटिंग एक काम किया जाता है और उसका रिजल्ट आता है कि अकाउंट्स बन के हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे कैसे, कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, यानी कि लागत लेखा शास्त्र। उसके अंदर हम करते क्या है, उसके अंदर हम करते हैं कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग करने से हमारे सामने आता क्या है, वो आती है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं, उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं हम पहले, कॉस्ट अकाउंटेंसी। चलिए कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको समझ में आ गया, कंपैरिजन मैंने कराया कि बताया होगा। इसमें अपन को हमको पढ़ना क्या क्या है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉस्टिंग, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आता है। और क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्टिंग तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉस्ट निकाली जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग उस प्रोसेस को अकाउंट्स बनाना, उस प्रोसेस को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आ गया। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल, भाई कॉस्ट को कंट्रोल भी करना, नियंत्रण करना, लागत नियंत्रण। और फिर उस कॉस्ट ऑडिट, उस कॉस्ट की ऑडिट कैसे करते हैं, ये सब आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। कॉस्टिंग जो कि एक प्रोसेस है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट का रिजल्ट आया है, जो प्रोसेस है उसको अच्छे से मैनेज करना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग में आ गया। कॉस्ट कंट्रोल, उस जो कॉस्ट आई है उसको, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जाए। कॉस्ट ऑडिट मतलब जो आपने कॉस्ट निकाली है, क्या वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसकी जांच पड़ताल करना, वो कॉस्ट ऑडिट के अंदर आता है, यानी कि लागत अंकेक्षण बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। ओके, अब ये कॉस्ट कंट्रोल जो है ये अपने आप में आगे है। अच्छा, अब ये कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या क्या कंट्रोल आता है, ये एक अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर आता है फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आगे जाके आप पढ़ेंगे ये पूरा चैप्टर, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के अंदर भी कुछ कॉलेजेस के अंदर आता है। फिर आता है बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल ये कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है, आप पढ़ेंगे आगे जाके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कंट्रोल। और फिर आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल, इन तीन चीजों को कंट्रोल करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रमाप लागत का लेखांकन करना, बजटरी का मतलब बजट नियंत्रण, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल है ना ये, ठीक है। जो पहले से स्टैंडर्ड बनाए गए हैं आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बजटरी का मतलब जो बजट बनाया गया है उसको नियंत्रित करना, क्वालिटी कैसी है आपकी उसको भी कंट्रोल करना, ये कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आता है। आया बेटा समझ में, बताइए एक बार रिप्लाई कर दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आगे आपको चैप्टर मिलेंगे, उस टाइम आप ये मेरी बात याद रखना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल, ये सर ने बताया था ये सब कुछ कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आता है, कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स हैं। ओके, फिर आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके, तो चलिए देखो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, भाई आप कॉस्ट क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं या कॉस्टिंग क्यों करना चाहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग करना चाहते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आता है निकल के फर्स्ट, वो आता है टू असर्टेन कॉस्ट, यानी कि लागत ज्ञात करना, किसी की प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है वो पता करना हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टू कंट्रोल कॉस्ट, अगर आप पता कर लोगे ना, यानी कि लागत पर नियंत्रण रखना, लागत पर नियंत्रण रखना, आप पता करोगे तभी तो कंट्रोल रख पाओगे। आपने पता किया कि आपकी किसी प्रोडक्ट मार्कर बनाने की कॉस्ट 10 रुपये आ रही है, लेकिन आपको ये पता है कि मार्केट में जो एक नया हमारा कॉम्पिटिटर है वो 9 रुपये में बना रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके कितने पे लेके आओगे, 9 रुपये पे लेके आओगे। तो वो कॉस्टिंग से ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। टू डिटरमाइन टेंडर प्राइस, बहुत सारे टेंडर भरते हैं पता है, गवर्नमेंट भी टेंडर निकालती है बहुत सारे, टेंडर प्राइस निविदा है ना, टेंडर मूल्य का निर्धारण करना इसका हिंदी मतलब होता है ना, टेंडर भरने पड़ते हैं फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जितने भी हाईवे बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, ब्रिज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है पूरा का पूरा, उसकी टेंडर निकाले जाते हैं। टेंडर मतलब आपको वो टेंडर भरना है, मतलब वो पता करके बताना है कि जैसे एक कंपनी है उसने कोई एक बिल्डिंग बनाने का टेंडर निकाला है, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोलेगी आप टेंडर भरो कि आप कितने में बिल्डिंग बना दोगे। एक कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर राम, उसने बोला मैं 1 करोड़ में बना दूंगा। एक मिस्टर बोला राम के बाद में श्याम, उसने बोला मैं 90 लाख में बना दूंगा। एक मिस्टर बोला घनश्याम, उसने बोला कि मैं 95 लाख में बना दूंगा। एक मिस्टर निकल गया कृष्ण, उसने बोला कि भाई मैं 1.5 करोड़ में बना दूंगा। तो इन्होंने कैसे पता किया, अभी तक बिल्डिंग बन गई है क्या, नहीं, तो कैसे पता किया कि बिल्डिंग में खर्चा कितना आएगा और कितने में बनाएंगे, उसमें उनका प्रॉफिट कितना है, कॉस्टिंग से। तो टेंडर प्राइस अगर डिसाइड करनी है तो कॉस्टिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टू प्रोवाइड बेसिक डिसीजन मेकिंग, अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बेसिक डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे ही ले सकते हैं। बहुत सारे डिसीजन जो है वो कॉस्टिंग के बेस पे लिए जाते हैं, कॉस्ट पता करके लिए जाते हैं, वरना नहीं लिए जा सकते। टू प्रोवाइड हेल्प फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर स्टेटमेंट, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, उसमें आप दिखाते तो हो कि हमारा खर्चा कितना आया है, तो वो कॉस्टिंग के बिना कैसे पता करोगे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी क्या है, COGS क्या है ना, वो कैसे बताओगे आप, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखोगे आप कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्टिंग के बिना कैसे आप प्रिपेयर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है फिर आपका पॉइंट नंबर 6, वो आता है कंप्लायंस ऑफ स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट। अगर आपको वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, वैधानिक आवश्यकताएं क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, कंपनी लॉ के अंदर चेंज कर दिया और सबको बोल दिया अभी आपको कॉस्ट अकाउंट्स रखने जरूरी है, तो ऐसी कोई एक आवश्यकता आ जाए जिसमें कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी पड़े, तो वैधानिक जो आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, उनकी पालना करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ बेसिक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये शुरू शुरू में थोड़ा थ्योरी आएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है बेटा, ये वीडियो जो है, मैं ये चैप्टर फर्स्ट है, ये यूट्यूब पर भी डालूंगा, तो यूट्यूब वाले बच्चों को इतना ही बोलूंगा कि बेटा ये जो है ना, ये लाइव क्लास ऐप पे लग रही है, ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप, लाइव क्लास वहीं लगती है। अगर आप ये लाइव क्लास डाउन अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारी ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए,
उसके बाद आप डायरेक्ट ये कोर्स बाय कर सकते हैं, लाइव कोर्स स्टोर में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो गया है, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट थोड़ा मैंने करवाया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, बाय बाय।